कंगना रनौत बहुत ही जल्द फिल्म थलाइवी से सभी के दिलों पर राज करने वाली है। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही कंगना ने तहलका मचा दिया है। अब सब बस फिल्म का ही इंतजार कर रहे हैं। दिवंगत एक्ट्रेस टर्न्ड पॉलिटिशियन जयललिता की इस कहानी को बड़े पर्दे पर देखने से पहले हम आपको बताएंगे जया माँ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एंड अननोन फैक्ट्स। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को एक अय्यर ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनका नाम पहले कोमलावली रखा गया था, फिर जब वो एक साल की हुई तब उन्हें जयललिता नाम दिया गया। जयललिता महज 2 साल की थी जब उन्होंने अपने पिता को खोया। इसके बाद उनकी माँ उनको लेकर अपने माता पिता के यहाँ बैंगलोर चली गई थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी जयललिता और उन्होंने 10th में तमिलनाडु में 2nd रैंक हासिल किया था। और पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने 1961 में एपिसेल नाम की एक अंग्रेजी फिल्म में काम किया। जब वो मात्र 15 साल की थी तभी उनकी माँ ने उन्हें फिल्मों में जाने के लिए प्रेरित किया। इसी उम्र में उन्होंने कन्नड़ भाषा की फिल्म चिन्नाड़ा गोम्बे में काम किया। अगले ही साल यानी 1965 में उन्होंने तमिल सिनेमा में फिल्म वेन्निरा अडाई से एंट्री ली। इस फिल्म में एक गाना था जिसमें जयललिता पानी में भीगी हुई नजर आई थी। साथ ही उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज भी पहना हुआ था जिसके कारण इसे अडल्ट ओनली टैग दिया गया था और इस वजह से जया अपनी डेब्यू फिल्म नहीं देख पाई क्योंकि तब वो केवल 15 साल की ही थी। जयललिता ने अपने फिल्मी करियर में 130 फिल्में की है। जयललिता 1980 तक लगातार साउथ इंडस्ट्री पर राज करती रही है। गौरतलब है कि तमिल सिनेमा में स्कर्ट पहनने की शुरुआत जयललिता ने ही की थी। जयललिता ने अपने फिल्मी करियर में कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। उन्हें खास तौर से तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन साल 1968 में उन्होंने हिंदी फिल्म इज्जत में भी काम किया था और इस फिल्म में धर्मेंद्र ने उनके साथ मुख्य भूमिका अदा की थी। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रहे एमजी रामचंद्रन से जयललिता के अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। खास बात यह है कि उस वक्त एमजी पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। जब रामचंद्रन का निधन हुआ तो जयललिता ने खुद को विधवा की तरह पेश किया था। जयललिता ने कभी शादी नहीं की लेकिन उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट किया। बेटे का नाम सुधागरन है। सुधागरन जयललिता के भतीजे है जिसे उन्होंने गोद लिया था। जयललिता का नाम दुनिया की सबसे महंगी रिसेप्शन के लिए गिनीज बुक में शामिल किया गया था। 7 सितंबर 1995 को उनके बेटे सुधागरन की शादी चेन्नई में हुई थी। इसके लिए 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 50 एकड़ में पंडाल बना था। करीब 1.5 लाख मेहमान शामिल हुए थे। सुधागरन की शादी तमिल फिल्म एक्टर शिवाजी गणेशन की पोती से हुई। ग्रैंड वेडिंग के बाद जयललिता को कानूनी उलझनों से भी गुजरना पड़ा था। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि शादी का खर्चा लड़की वालों ने उठाया है। साल 1997 में आई फिल्म इरुवर में जयललिता से इंस्पायर्ड रोल में ऐश्वर्या राय नजर आई थी। इनफैक्ट जयललिता ने एक बार सिमी ग्रेवाल के साथ बातचीत में कहा था, ऐश्वर्या राय मेरी जवानी के दिनों का किरदार निभाने के लिए ठीक रहेंगी, हालांकि मुझे लगता है कि उसके बाद यह मेरे भविष्य के रोल को निभा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ज्योतिष के चलते ही वो आमतौर पर साड़ी, पेन और बाकी चीजें हरे रंग की यूज करती थी। माना जाता है कि ये रंग उनके लिए लकी था। जयललिता अपने साथ खास कुर्सी लेकर चलती थी। एक बार जब वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंची थी तब एक स्पेशल कुर्सी नॉर्थ ब्लॉक पहुंची थी। इस मुलाकात के बाद कुर्सी वापस तमिलनाडु भवन भेज दी गई। कहा जाता है कि जयललिता एक लॉयर बनना चाहती थी लेकिन उनकी फिल्में हिट हो गई और उन्होंने एक्टिंग को कंटिन्यू किया। सबसे कम सैलरी लेने वाली सीएम बनी थी जयललिता। जब उन्हें पहली बार सैलरी दिया गया था तब उन्होंने वो लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि उनके पास एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि एज अ पब्लिक सर्वेंट सैलरी लेना कंपलसरी है तब उन्होंने 1 रुपए एज अ सैलरी एक्सेप्ट किया। साउथ इंडिया में होने वाले एक फेस्टिवल में जयललिता पहुंची थी और उन्हें देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए थे और इसी चक्कर में स्टैम्पीड हुआ और करीब 50 लोगों की मौत भी हो गई थी और ये तब लाइमलाइट में रहा।
जयललिता को तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, मलयालम और इंग्लिश आती थी। इतना ही नहीं, जयललिता ट्रेंड थी क्लासिकल म्यूजिक, वेस्टर्न क्लासिकल पियानो और वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांस इंक्लूडिंग भरतनाट्यम में। 5 दिसंबर 2016 को जयललिता ने इस दुनिया को अलविदा कहा और इनके निधन के बाद कई कंट्रोवर्सीज और थियोरीज भी सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स ने ये कहा कि उन्हें धक्का दिया गया था जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, तो वही कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। इनफैक्ट जयललिता के निधन के बाद कई लोग सामने आए और उन्होंने ये कहा कि वो जयललिता के इकलौते बेटे या बेटी है, लेकिन छानबीन के बाद ये बातें झूठी निकली और उन लोगों को जेल भी भेजा गया था। वेल, तो क्या कहना है आपका इन फैक्ट्स के बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।